एक अच्छा जोड़ा बनाना हो ना, और उसको अच्छा डिजाइनर मिल जाए जिसके जिससे वो आराम से बात कर सके, उसको सबसे ज्यादा पता क्या करना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए। उसको सच्चे दिल से आपको किसी एम्बेरसमेंट के बगैर कहना चाहिए, मैं ऐसी लगनी चाहती हूँ। बहुत से लोग आते हैं, उनके दिमाग के अंदर एक इमेज होती है, मगर वो डर रहे होते हैं कि नहीं, अम्मी क्या सोच रही होंगी, नानी सोच रही होंगी, फला फला सोच रहा होगा। और लड़की खुद भी एक्सप्लेन करते हुए, कभी बहुत से लोगों का होता है, मैं इस वाले मूवी के इस तरह लगना चाहती हूँ, मैं इस तरह के लगना चाह रही होती हूँ, वो मुझे नहीं बताते, नहीं बताते। जब एक कोई कोई भी क्लाइंट मेरे आके बैठ के जो सच्चे दिल से बता रहा होता है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, सही सवाल पूछूं कि जवाब जो है वो सच्चे आए, मेरे एकदम से मुझे डिजाइन आना शुरू होता है। बिकॉज हम सारे इंसान क्या है, हम सारे वल्नरेबल हैं, सारे सेंसिटिव हैं, शादी के वक्त इससे ज्यादा भी है, बिकॉज इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके ससुराल एक जैसा तो जोड़ा मांग रहे हैं, आपके फ्रेंड जो कह रहे हैं नहीं नहीं ये मॉडर्न ऐसा पहनो, आपकी अम्मी और कुछ कह रहे इस तरह पहनो, मैगजीन्स कह रहे हैं कि नहीं हर बंदा बेज एंड ऑफ वाइट एंड बेबी ब्लू पहन रहा है, आपका दिल कर रहा है ऑरेंज रेड पहनने का, आप घरे हुए हो, आप उस वक्त ऐसा डिजाइन ढूंढो जो आपको डिजाइनर बैठे जो आपको कहे कि नो, जो तुम चाहती हो ना, बिकॉज ये तुम्हारी शादी है, किसी और की शादी नहीं है, ये तुम्हारी शादी है, इसमें तुमने सबसे ज्यादा अच्छी लगोगी तो खुश लगोगी, और खुश लगोगी तो सब खुश होंगे। तुम सच बताओ, जो तुम मुझे मिलने आई थी, मुझे ये नहीं था कि तुम्हें अच्छा लगे, मैं तुम्हें जानता था, मैं तुम्हारा सच जानता था, मुझे पता था कि तुम्हें ट्रेडिशनल चाहिए, मगर उसके साथ तुम्हें कैसी चीज चाहिए जो किसी और पास किसी और ने ना पहनी हो, तुम्हें लाल रंग चाहिए मगर उसके अंदर कोई ऐसे कलर चाहिए जिसके अंदर जो तुम्हारे जूल टोन जो तुम्हें हमेशा पसंद है, तुम एक एंट्रेंस करना चाहती हो मगर चाहती हो कि ऐसी तस्वीरों के 20 साल भी बाद भी तुम देखो तो वो लगे कि वो क्लासिक थी, वो टाइमलेस थी, टाइमलेस ब्यूटी लगो। मैं ये, और तुम मेरी मेरीन हो यार, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम इसको जानूंगा, मैं जानता था, और मेरी तुम्हारा जोड़ा बनाने में मुझे मजा भी बहुत आया, बिकॉज वो दिल से जोड़ा बना वो, और तुम्हारी शादी पे जब तुम पहन के जब आई थी तो मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश था, ना सिर्फ अपने जोड़े के लिए, बिकॉज तुमने मेरा जोड़ा पहना था। So I really, it meant a lot to me. Thank you. And I was looking so beautiful. You were beautiful. Beautiful bride. And to be very honest, अच्छा एक और भी बात है, शुरू कभी ऐसे हुआ है कि लड़की कहे कि मैंने रेड नहीं पहनना, तो मैं रेड नहीं बनाता। देखो लड़की की शादी है, उससे पहनना जोड़ा यार मेरी, उसने खुश होना है, उसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो उसका दिन है। It's her and her husband's day. Yes, हम लोग दो शादियां, दो families की मिलन हो रहा है, it's very important. मगर मिलन हो रहा है उस लड़के और लड़के के लिए, तो उनकी खुशी देखना बहुत जरूरी है, उनके वो क्या चाहते हैं। बड़ी लड़की आती है, कहती है मैंने ये रेड पहनना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू वेयर रेड, एंड आई अंडरस्टैंड, दैट्स फाइन। मेरा दो काम है, उनकी बात सुनना और उनको सजेस्ट करना कि अगर मैं आपके लिए कुछ बनाता तो मैं किस कलर में बनाता, और ये मैं उनको बताऊंगा, मगर उसके बाद अप टू देम। नहीं, एक 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 चीज है कि कई लोग कंफ्यूज भी कर देते हैं लड़कियों को कि नहीं नहीं रेडी पहनो, पहनना भी नहीं चाह रही होती, नहीं रेडी पहनो। एंड कभी ऐसा हुआ है कि बेचारी को डरी हो और सब बोल रहे हैं, आप पकड़ के नहीं 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 जो तुम हो बोलो, अब तुम्हें पता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे इंटरव्यू जो कर रही हो तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुंह फाड़ता हूँ, मैं इंतजार नहीं करता, मैं देख रहा होता हूँ कि पप्पी की तरफ से प्रेशर आ रहा है, दादी कह रहे ऐ नहीं हो सकता, अम्मी कह रही नहीं बेटा बेटा ये करो, मैं उसी वक्त कहता हूँ एक्सक्यूज मी सो सॉरी, आई नो कि आप लोग मुझे इतने ज्यादा जानते नहीं है और मैं बदतमीजी नहीं करना चाह रहा, मगर आपको पता है ना जी, नानी जी तुम्हारी शादी नहीं है, तो तुम भी जानते हो पप्पी जी तुम्हारी शादी नहीं है, इस मुंडी इस प्यारी सी लड़की की शादी है, तुम क्यों, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग। सो I will always tell them as much as I can that wear what you feel is going to make you happy. Ye sare log theek ho jayenge. Everyone will be happy when you say you're happy. And apne happiness ko kabhi bhulna nahi chahiye, Marin. Tumhe pata hai, tumne bhi apne zindagi mein career mein jo kiya hai, tumne hamesha khush rahi ho. Apne tumne wo decisions liye hain jisse tum khush ho. तुमने ऐसे कोई डिसीजन नहीं ली जिसमें तुमने काम कर के फोर्स कर अपने आप को किया हो, तुम्हें खुश जिंदगी रहती हो, मेरे ख्याल से यही तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे तुम्हारी के अंदर जो नूर है उसका राज है, बिकॉज यू ऑलवेज यू रिमेन हैप्पी। थैंक यू शेरू, इतने दिल से हाँ। खुश हो गई हूँ मैं शेरू, बड़े प्यार से दिल से करते हैं कभी कभी, हर वक्त नहीं, हर समय की कहता हूँ, कम ऑन शेरू, किसी दिन मैंने इंटरव्यू कर दिया, मेरे से करते हो ज्यादा प्यार, हर एक से तुम नहीं करता, ये सच है, तुम्हारे से तुम्हारे तुम्हारे लिए जो मेरी जिंदगी में जो जगह तुम्हारे लिए वो बहुत साथ है, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है मेरी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तुम
तुम तब मेरे लिए वहां, जब जब कोई भी नहीं था तुम थी, जब कोई ऐसे वक्त आया जब एकदम से इंडस्ट्री उठने शुरू हुई और सबको बड़ी बड़ी चीजें चाहिए थी, पैसा चाहिए था, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार और इज्जत चाहिए थी, और तुम उतनी वापस देती थी। मैंने तुम्हारे साथ शूट्स किए हैं जो मैं रात को सोचता था कि मैं उसका कैसे शुक्रिया अदा करूंगा, मगर तुमने मुझे कभी एहसास नहीं दिया कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। मैंने तुम्हें ऐसे वक्तों में फोन किया हुआ है जहां मैं फोन पे खुद रो रहा होता था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, और तुमने तुमने मेरा हाथ पकड़ा, तुमने मेरा हाथ थामा, तुम मेरी बहनों की तरह, मैं शायद बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मगर तुम मेरी बहनों की तरह हूँ, और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अब देखो तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। मैं आई लव यू टू। नहीं मेरी हो तुम, यू वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। इतना प्यार आज तो पहली दफा दिखाया, मेरा दिल बाहर आ रहा है, मैं फोन से ना ही पकड़ के हाथ कर रही हूँ। आई लव यू कोई सो मच शेरू, एंड यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यू वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। आई कैन शेयर माय हार्ट विद यू, आई कैन शेयर माय फीलिंग्स विद यू, एंड यू नो यू ऑलवेज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग जिसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। आई थिंक मेरी लाइफ में ऐसे कई मौके आए थे कि जिसमें यू नो लोग मेरे बारे में बहुत बातें कर रहे थे और मैं आई कॉल्ड यू एंड आई वाज क्राइंग बैडली एंड आई सेड शेरू मैं क्या करूं, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रांग, यू नो मुझे लोगों की चीज़ें हर्ट करती हैं, ये नहीं कि वो मुझे रोक सकती हैं। सो यू द वन हु वाज सेइंग टू मी मेरीन, जब इंसान ऊपर जाता है ना तो ये पहला स्टेप होता है कि लोग सबसे ज़्यादा बातें करते हैं। एंड दैट नाइट मुझे घर पे तुमने खाना भी अपना खिलाया था, मुझे अभी भी याद है, देसी खाना हम खा रहे थे, एंड यू वर थैंक यू सो मच, यू वर जस्ट गिविंग मी यू नो एक बहन का प्यार उतना मुझे मेरी जान। अब मैं आई थिंक ये लोग सोच रहे होंगे कि आप दोनों एक क्या एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। मेरी सुनी एक तो इस प्लान में की बात बताऊं, मेरी मैंने क्या नोट किया, अब मैं तुम्हें पहले तुम्हें हमेशा बताता था, जब तुम राइज भी कर रही थी, और मैं आप सबको भी बताऊंगा, आप लोग सारे जो सुन रहे हैं, आई नो आई गॉट टीयर्स इन माय आईज, आई एम सॉरी गाइस, आई जस्ट गॉट इमोशनल टुडे, मेरीन इज तो सोच रही होगी शुरू पागल है। आई लव यू बट नो यू आर अमेजिंग। जब तुम ऊपर चढ़ भी रही थी ना, जब तुम्हारा व्हेन यू आर ऑफ मैं क्यों इमोशनल हो रहा हूं, व्हेन यू आर राइजिंग टू द टॉप, मैं तुम्हें कहता था कि मेरीन ये जो पहाड़ है ना जिसको तुम चढ़ रही हो, हम सारे जो जिंदगी है इस पहाड़ को चढ़ रहे हैं, इस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते याद रखना जिसको तुम पार करोगी, बिकॉज वो तुम्हारे नीचे चढ़ते हुए भी तुम्हारे वो काम आएगा, तो उससे तैयार करना, और तुम ऐसी ही हो। मगर मैंने यही भी कहा था, मैंने कहा जैसा पहाड़ चढ़ जाओगे ना, तो हम पहाड़ पे जब बैठ जाते हैं ऊपर, तो ऊपर बहुत कम लोग होते हैं, एक्चुअली एक पीक है और उसके ऊपर जो बैठा होता है वो बड़ा अकेला होता है, सांस लेने की भी कभी कम जगह होती है, नहीं दिल सांस लेने की मुश्किल होती है, बिकॉज हर बंदे आपको देख रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपने हल्का सा गोल्स कर दिया तो आपको नीचे खींच देंगे, आपके नीचे जो इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं वो सबसे पहले आपको नीचे खींच रहे होंगे, कुछ चढ़ना उन्होंने ऊपर है, तो ऊपर चढ़ना एक कोई आसान काम नहीं है, और चढ़ चढ़ के वहां बैठ के प्यार से इज्जत से राज करवाना या इज्जत से सबको बताना कि ये मैं थ्रेट नहीं हूं, और उस लोगों को सर्वाइव करना आसान काम नहीं है।